दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल रियलटेक इंसाइडर में। जो अभी आप लोगों को आप सामने देख रहे हैं ये WAG 7 लोको है, पावर नंबर है इसका 24610। ठीक है, ये लुधियाना का पावर है, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो अभी क्या करेंगे, इस लोको को हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, इसका स्टार्टिंग प्रोसीजर जानेंगे अभी, है ना। तो लोको में सारे चेक्स के बाद, जितने भी तरह के चेक पॉइंट है सब में चेक करने के बाद हम लोगों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग इस लोको को स्टार्ट करने जा रहे हैं और पूरा प्रोसीजर हम लोग समझेंगे अभी इस वीडियो में, ताकि जो हमारे नए नए लोको पायलट भाई बंधु इस प्रोफेशन में आए हैं उनको थोड़ा आसानी हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जितने भी तरह की हमारी चेक पॉइंट है सबको चेक कर लेंगे, है ना, लोको के अंडर फ्रेम अपर फ्रेम हर जगह चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चेक वाला बात तो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो चेक कर चुका हूं और बस स्टार्ट करने का बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होगा कि लोको में एंटर करने के बाद, लोको में एंटर करते वक्त हम लोग को ये तीन की दिया जाता है, एक हमारा ZPT है, ठीक है, ये हमारा रिवर्सर की है और ये हमारा BL की है, BL की ZPT और ये रिवर्सर की, जो कि अपने अपने जगह पे लगेगा। इसके पहले क्या होगा कि हमको पेंटोग्राफ को ऊपर करना है, और पेंटोग्राफ को ऊपर करने के लिए हमें प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा, मतलब बेबी कंप्रेसर को स्टार्ट करना पड़ेगा। बेबी कंप्रेसर में प्रेशर 5.5 kg के ऊपर बनने के बाद ही पेंटोग्राफ ऊपर कर पाएंगे, और कंप्रेसर को चालू करने के लिए बैटरी को ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम लोको चेक करने के बाद बैटरी को ऑन करना होता है। तो ये हमारा है Cab 1, ठीक है, जितने भी फीचर्स हैं बैटरी के हो गए या जितने भी अदर फीचर्स, सारे Cab 2 में होती है। तो चलते हैं Cab 2, कॉरिडोर के रास्ते चलते हैं। ठीक है, इस कॉरिडोर को तो क्या, तो देखते हुए चलते हैं इक्विपमेंट वगैरह। ये हमारा कंप्रेसर है, टोटल 3 कंप्रेसर होता है, मेन कंप्रेसर ये एक, ये वह दूसरा, और ये बगल में हो गया तीसरा। ये हमारा ब्लोअर है मोटर का, मोटर का ब्लोअर है। ये हो गया हमारा न्यूमेटिक पैनल, जिसे कि हार्ट ऑफ द पावर भी कहा जाता है, लोगों का दिल कहा जाता है इसे, है ना, सारे फंक्शन यहीं पे कंट्रोल किए जाते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब है, है ना, इसके बारे में एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट के लिए चलते हैं आगे। ये बहुत ही सकड़ा हुआ रास्ता है इसमें, मतलब कि अगर आपकी हाइट अच्छी है, लंबे चौड़े हैं तो बहुत दिक्कत होता है इसमें चलने में, थोड़ा सावधानी से चलने की ज़रूरत है, हाइट भी इसकी कम होती है, और रनिंग की कंडीशन में, चलते हुए कंडीशन में सावधानी से चलना है। तो अब हम आ गए Cab 2 में, और जस्ट यहाँ पे सेंट्रल लॉकर में डैशबोर्ड के ठीक अपोजिट में हमारा स्विच पैनल है, यहाँ पर ये हमारा स्विच पैनल, ठीक है, ये हमारा बैटरी का स्विच है, HBA बैटरी, इसको हम लोग करेंगे 1 पे, ठीक है, एक बीप आवाज़ सुनाई दिया होगा, ठीक है। उसके पहले जितने भी तरह का स्विच का पोजीशन है सारा हम लोग देख लेंगे कि कोई दिक्कत तो कहीं पे नहीं है। इस लोगों VCD को बाईपास किया गया है 0 पे करके, सारा स्विचेस का नॉर्मल पोजीशन 1 पे रहेगा, सारा 1 पे है। कंप्रेसर का ये स्विच है जिसमें कि 1, 2, 3 दिखा रहा है, मतलब तीनों कंप्रेसर काम कर रहा है। HPAR स्विच जो है इसका पोजीशन 0 पे रखा गया है, इसका मतलब है कि Q51 रिले को बाईपास किया गया है, ठीक है। नई स्विच है तो यहाँ पे लगभग सब चीज़ नॉर्मल है। ये लगता है कि AC का MCB है। तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं Cab 1 में, Cab 1 की तरफ ये किया गया है, चल के देखेंगे चालू होता है। बैटरी को ऑन करने के बाद इस कैब में कुछ काम नहीं करना है, क्योंकि हमारा ड्राइविंग कैब उधर है। ये हमारा बेबी कंप्रेसर को स्टार्ट करने का स्विच है, क्योंकि हम लोग उस कैब से काम करेंगे, इसलिए हम लोग उधर जाके देखते हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बंद ही करना पड़ता है उसे। तो अगेन हम लोग बैटरी ऑन करने के बाद वापस से उस कैब में जा रहे हैं जिससे हमको ड्राइव करना है, यानी कि Cab 1 में जा रहे हैं। ये मैसेज होगा Q51 बाईपास का, देखिए Q51 बाईपास का मैसेज है, जो HPR स्विच 0 पे था, इसको हम लोग एक्नोलेज कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा।
अब क्या बैटरी ऑन होने के बाद हम लोग को बेबी कंप्रेसर का प्रेशर बनाना है, और उसको ऑन करने के लिए जेड सी पी एस स्विच यहाँ दिया हुआ है। इसका पोजीशन अलग अलग जगह पर रहता है, फिलहाल ये डैशबोर्ड पर दिया है। इसको ऑन करेंगे, एक कंप्रेसर का आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, है ना, अंदर उधर चल रहा है तो ठीक है। अब वो प्रेशर देखेंगे कहाँ पे, वो प्रेशर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये पीआर, ठीक है, पेंटोग्राफ का प्रेशर इसमें देखते हैं, और ये धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। जब तक ये इंक्रीज करता है वीडियो को पॉज करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि प्रेशर लगभग 6 kg/cm² पहुंच गया है, 5.5 के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 6 क्रॉस कर चुका है हम लोग, कंप्रेसर को करेंगे बंद, कंप्रेसर को यहाँ से कर देंगे बंद, और जेट पी टी, ये जेट पी टी की के मदद से पेंटो को हम लोग ऊपर करेंगे। यहाँ दो पोर्शन है इसका, 0, 1 और 2। 1 करने से हमेशा रियल पेंटो उठेगा, 2 करने से हमेशा आगे वाला पेंटो उठेगा। तो ड्राइविंग कंडीशन में हमेशा पीछे वाले पेंटो को उठाया जाता है, तो 1 पे करने के बाद हम लोग देखते हैं कि पेंटो हमारा ऊपर जा रहा है नहीं। तो देख पा रहे हैं पेंटो हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक स्पार्क का आवाज़ आया यहाँ पे, मतलब पेंटो ऊपर जा चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो बीएल की है, इस बीएल की को बीएल बॉक्स में से लगाएंगे, इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद देख पा रहे हैं, ये सुनिश्चित करेंगे कि ये तीनों लाइट जले, और बाकी लाइट को चेक करने के लिए हम लोग बीपीटी स्विच से, ये टेस्टिंग स्विच से देखेंगे। देखिए बाकी तो ये 6 लाइट जलनी चाहिए, है ना, स्टार्टिंग में। तो ये हो गया, उसके बाद हम लोग डीजे को क्लोज करेंगे। तो डीजे क्लोज करने के लिए सबसे पहले बीएल डीजे को प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैसेज आ रहा है बीएल डीजे ऑन, प्रेस बीएल आर डीजे टू क्लोज डीजे। बीएल आर डीजे सेकंड वाला स्विच, इसको हम लोग प्रेस करेंगे लगभग 2 सेकंड तक, और इसको छोड़ देंगे, जैसे ही ये वाला जो बल्ब है लैंप वो बुझ जाएगा। तो देखिए ऑन कर रहे हैं, जैसे बुझ गया हम छोड़ दिए, यहाँ पे मैसेज आ गया डीजे क्लोज का, और थोड़ी देर में बैटरी चार्जर का भी जो बल्ब है वो ही बल्ब बुझ जाएगा। मतलब हमारा SI ऑन हो गया, डीजे क्लोज हो गया, लोको ऑन हो गया है। SI ऑन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर को ऑन करेंगे, BLCPA, इस कंप्रेसर को ऑन करेंगे, ठीक है, ताकि प्रेशर बनना चालू हो जाए। कंप्रेसर का आवाज़ आप देख पा रहे हैं, सारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, प्रेशर बनना भी चालू हो गया है। आप देख पा रहे हैं MR का प्रेशर धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है, है ना, और सारा प्रेशर इंक्रीज करेगा, ब्रेक पाइप प्रेशर 5 हो जाएगा। एक बार वो सब अचीव होने के बाद हम फिर से देखेंगे, फिलहाल मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे सारा प्रेशर केजेस में की प्रेशर कैसे इंक्रीज कर रहा है, ब्रेक पाइप प्रेशर भी हमारा 1 के आसपास पहुँच गया है, ये हमारा ब्रेक सिलेंडर का भी प्रेशर ये भी 3 पहुंच गया है, गियर को भी हमारा भी आधा हुआ है, सारा प्रेशर गेजेस में देख रहे हैं क्या कि प्रेशर रीडिंग कुछ कुछ आया हुआ है। तो इस प्रोसेस में इसको कंप्लीट हो जाने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाता है, बीपी पूरा 5 बनने में। और बीपी 5 बनने के बाद एयर फ्लो घटने के बाद ही हम लोगों को कर पाते हैं।